जाता है, फ्रीज नहीं है ना, एकदम ताजा फ्रेश खाना बनाना पड़ता है फ्रेश। और ये नेपाली रेसिपी है कैसी जी, पहाड़ी रेसिपी है? तो हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको शिमला हाईवे पर ना एक अनलिमिटेड थाली दिखाने वाला हूँ, अनलिमिटेड फूड दिखाने वाला हूँ, जिसको आप देखकर ना बड़े खुश हो जाओगे कि यार पहाड़ों में भी सिर्फ 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिल सकता है। जितनी मर्जी रोटी खाओ, जितनी मर्जी सब्जी खाओ, जितनी मर्जी दाल खाओ, सिर्फ और सिर्फ आपने 100 रुपए देने, माँ जैसे हाथ का खाना मिलेगा। और नेपाल से आंटी जी स्पेशल आए हैं, शिमला में बस चुके हैं और शिमला में ना कई सालों से वो लोगों को खुश कर रहे हैं अच्छा खाना खिलाकर। आओ फिर चलते अंकल आंटी जी के पास। हाँ जी दोस्तों, पहाड़ों की वादियों में सैर करते करते हमारे को एक बहुत ही प्यारा सेटअप मिला, कार्ट मिला, जिला सोगी में आए थे, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और यहाँ पर मैम हमारे, नमस्कार मैम, कैसे जी? नमस्कार, कैसे जी? ठीक है जी। मैम सबसे पहले अपना नाम बता दो जी। मेरा नाम शशि। शशि जी, और सर आपका नाम जी? नमस्कार जी। मनी राम जी, नमस्कार जी, कैसे? नमस्कार। तो सर कितना साल पुराना सेटअप है मैम, ये बताइए आप? दस साल हो गए, क्या बात है। और ये मैम, ये 10 साल पहले क्या रहता था, आपने बनाया ये दुकान कैसे रहती थी? ये तो किराए पे है बाबूजी का। अच्छा, किराए पे है। हाँ जी। इसको आप चलाते हैं? क्या क्या रहता है जी खाने में? खाने में बस दाल सब्जी जी, चावल रोटी परांठा दही जी, यही। तो परांठे चलते रहते दोपहर में? परांठे खा रहे तब। कौन लोग आते जी यहाँ से, टूरिस्ट लोग आते? लोकल भी आते हैं। सिटिंग एरिया भी रखा हुआ आपने जी। दिखाएंगे खाना क्या क्या बनाया जी आज आपने? इसे भिड्डू बोलते क्या? ये चने की दाल है। भिड्डू बोलते हैं ये, गरम चने की दाल है जी। ये पहाड़ की रहती है कि चंडीगढ़ से लेके आते हैं? नहीं, वही चंडीगढ़ से लाते हैं। ये पनीर की सब्जी। ओ भाई साहब, आज तो पनीर बना हुआ है। हाँ जी। तो रोज सब्जी रोज बदलती है? हाँ जी। क्या बात है। और इसके अलावा क्या रहता है? इसके दही, ये दही रहता है। हाँ जी। घर में जमाते हैं कैसे रहता है? नहीं, घर में तो नहीं जमाते, है तो बाजार का है। बाजार की दही है जी। तो रोज फूड आइटम चेंज होता रहता है? हाँ रोज। तो कैसे रहती है थाली का प्राइस? क्या रहता है? थाली 100 रुपए थाली, चावल रोटी दाल सब्जी। क्या बात है, सलाद सलाद। तो ये खाना पहाड़ी वाला रहता है कैसे रहता है? हाँ बस ये सिंपल जैसा खाना होता है, बस यही घर जैसा खाना। हाँ जी। और मसाले कौन से डालते हैं? मसाले तो बस सिंपल डालते हैं, कुछ नहीं डालते मसाला, प्याज लहसुन बस सिंपल ही खाना बनाते हैं। गरम मसाले डालते ना? गरम मसाला लहसुन प्याज सर्दियों में। हाँ सर्दियों में गरम मसाला, आजकल तो सिंपल। आजकल सिंपल। हाँ जी। चावल है यहाँ? चावल, ये चावल है जी। हाँ जी। तो आप उतना ही बनाते जितना लग जाए खाना आपका? हाँ उतना ही बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लो। जैसे ये अभी खत्म हो जाए? हाँ, तो? बस फिर चावल चढ़ा दो। अच्छा, दोबारा बना देंगे? हाँ जी। ये सब्जी भी खत्म हो जाए? हाँ, दोबारा बना लेंगे। क्या बात है भाई, फ्रीज नहीं है ना, एकदम ताजा फ्रेश खाना बनाना पड़ता है। फ्रेश खाना बनाना। हाँ जी। वैसे भी यहाँ पर ठंडा ही लगता है? हाँ ठंडा तो है, पर गर्मी तो बहुत गर्मी है आजकल, सारी जगह खराब हो जाता है। बासी खाना तो खराब होता ही है। ताजा खाना खिलाते हैं घर जैसा। इससे पहले क्या करते थे जी? इससे पहले तो ठेकेदारी में काम करते थे जी। तो आपने सोचा क्यों ना अपना काम करना चाहिए? नई दुकान खोले है सर। तो मैम प्लेट लगाइए, एक देखना चाहते हैं प्लेट में हम क्या क्या रहता है। तो कितने बजे टाइमिंग शुरू, कितने बजे आते हैं दुकान, कितने बजे शुरू करते हैं? तो मैं सुबह 6 बजे करती हूँ, शाम को 8 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा जी, परांठे लगते रहते बनते रहते? हाँ जी। लोग मेरे को लगता है परांठों के ज्यादा दीवाने, खाना खाना नहीं खाते लोग, परांठा का ज्यादा। शिमला से ही? शिमला से हम। हाँ जी। तो नेपाल के? अच्छा, आप नेपाल के? हाँ जी। तो नेपाल से यहाँ पर घूमने फिरने आए थे, फिर यहाँ पर रह गए? नहीं, बहुत साल हो गए, मेरे बच्चे यहीं हुए, इतने साल पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं लिखा है। अच्छा, पढ़ाई भी यहीं के कर रहे हैं। क्या बात है जी। हाँ जी। अब परांठे का प्राइस रहता है? परांठे तो दही के साथ 50 रुपए जी, अचार के साथ 30 जी, दाल के साथ 40। तो परांठे का साइज तो आपने बहुत बड़ा रखा हुआ है। हाँ, बड़ा तो रखना ही पड़ता है। तो मैम आप भी मतलब बीइंग अ लेडी काम कर रहे हैं, तो क्या मतलब यूथ को मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे? अरे काम सबको करना चाहिए, वो मिलजुल के, हम तो बहुत पहले से लेकर दोनों मिलके करते हैं जी। शर्म नहीं? शर्म काहे का शर्म बाबू, हम तो मैं तो बहुत पहले से काम ही करती हूँ, मैं अकेले नहीं रह सकती। तो आपके नजर में कैसे काम, छोटा बड़ा रहता कि नहीं? हाँ जी। नहीं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, मेहनत होनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, है ना। और ये नेपाली रेसिपी है कैसी जी, पहाड़ी रेसिपी है? हाँ ये तो ऐसे ही रेसिपी है। तो नेपाल में क्या रहते? बहुत साल हो गया हमारे तुलसीपुर। तो वहाँ तो लोग बड़े खुश होते होंगे आपको यहाँ काम करते देख के। आते वहाँ से नेपाल से भी खाने के लिए? आते हैं, नेपाली भी बहुत है यहाँ पे। गाड़ी वहाँ से आए कोई, जहाँ पर आप रहते थे? हाँ आते रहते हैं। अच्छा जी, ये लो जी हमारी प्लेट लगने वाली है ना, इसका 100 रुपए प्राइस है जी। जी, ये लो जी सबसे पहले राइस आ जाएंगे। हाँ जी। क्या बात है मैम, ये बासमती राइस रहते कैसे रहते? हाँ बासमती। ये लो जी सैलड आ गया, तो एक तरह से माँ के हाथ का खाना है घर जैसा। जो लोग दूर से आते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ढाबे पर आ जाए ना, साफ सुथरा पौष्टिक आहार वाला खाना मिल जाएगा उनको यहाँ पर। हाँ जी। ये आ गई जी गर्मा गर्म सब्जी पनीर की। पनीर। तो मैम ये बताइए, जैसे दोबारा डालनी हो सब्जी और दाल, उसके चार्जेस अलग नहीं? उसी में भाव। अच्छा, तो खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं। नहीं और क्या बात है, कई जगह तो लोग उसके चार्जेस लेते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसा कुछ ले लेते हैं जी। ये आ गई भाई साहब बड्डू वाली गर्मा गर्म दाल। ये कितने घंटे में पकाते होंगे आप दाल इसको? बस 11 बजे खाना तैयार होता है। 11 बजे
7 बजे ना। हाँ जी, इसमें चपातीस भी रहती जी? जी। अच्छा जी, क्या बात है। तो एक तरह से अनलिमिटेड थाली है जी ये, जितना मर्जी खाओ, पेट भर के खाओ, शर्माने की जरूरत नहीं, जैसे घर में खाते हैं। हाँ जी। और इसमें चपाती कितनी आएगी मैम? चपाती आप जितना खाना चाहते हैं। अच्छा, चपाती भी जितना मर्जी खाना चाहते हैं? ओ भाई साहब, ऐसा ढाबा तो बहुत दिखने को कम मिलता है जी। ये लो जी, हमारी थाली रेडी होगी ना। हाँ जी। क्या बात है, 100 रुपए प्राइस इसका जी। और ये लोकेशन एड्रेस बता दो जी, किसने खाने के लिए आना, कहाँ पर आएगा? ये है चेक पोस्ट है आगे, उससे चेक पोस्ट से एक मोड़ आगे बस। अच्छा, चेक पोस्ट से एक मोड़ आगे, जहाँ पर मिलता है घर जैसा खाना। हाँ जी। ज्यादा कुछ मसाले मसोले नहीं लगते। और मैम आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।